पता क्यों हुआ? क्योंकि लगाया ना ऑफ और ऑफ के बटन पे लगा कल हम लोग रामानुचार्य जी के बारे में श्रवण किया था। रामानुचार्य जी के विचार विशिष्ट अद्वैत था। क्या बोला? विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत। अद्वैतवाद शंकरवाद के प्रभु और गौड़ीय वैष्णव के प्रभु अद्वैतवादी के ब्रह्म का जो निर्वैत निर्विकार निर्विशेष निरंजन ब्रह्म, क्या बताया? निर्विकार निर्विशेष निरंजन ब्रह्म।
जो ब्रह्म में कोई विकार नहीं, निर्विकार, निर्विशेष, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, ये कोई विशेषण नहीं है, विशेषण माने कोई गुण नहीं है, एडजेक्टिव, निर्विकार, निशेष, निरंजन, जिसमें किसी प्रकार क्रियादि नहीं है, उसे कहा जाता है ब्रह्म। किंतु हमारे आचार्यपाद, गौड़ीय वैष्णव के आचार्यपाद, आचार्यपाद कहते हैं, जहाँ जहाँ पर शास्त्रों में ब्रह्म के बारे में निर्विकार, निर्विशेष, निरंजन कहा गया, उसी शास्त्र में ब्रह्म की साकारत्व स्थापना की, ब्रह्म की स्वरूप और आकार की स्थापना कर, और गौड़ीय वैष्णव की ब्रह्म के बारे में क्या कहा गया, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म, क्या बोला, भेद रहित ब्रह्म है। थोड़ा बहुत वैदांतिक शब्द है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। स्वगत सजातीय और विजातीय भेद रहित, भेद रहित माने जो कोई भेद नहीं, अभिदत्त स्वीकार हो रहा ब्रह्म। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ स्वयं भगवान, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, अदूर्ध, उनके ऊर्ध कोई वस्तु नहीं है और उनके बराबर भी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वोत्तम कहा गया है। नत्त समकृष्ट तो अधिकश दिशते, उनके बराबर कोई वही नहीं है, तुमसे अधिक कैसे हो जाएगा, न तम से अधिकश दिशते, परास शक्ति विविधुर्वस्वते परा अश्व, अश्व मैंने यह ब्रह्म की जो है श्रुति में, वेदों में, उपनिषद में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, अश्व परास शक्ति और उनके अनेक शक्ति के बारे में भी कहा गया, जो अद्वैतवादी व निर्विशेषवादी लोग ब्रह्म के निराकार, निर्विशेष, निरंजन कहते हैं, किंतु शास्त्र में उसके अनेक शक्ति के बारे में कहा गया, पराशक्ति स्वाभाविक ही, उनके शक्ति कैसे हैं, स्वाभाविक ही स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक ही अचिंत शक्ति उसमें है, स्वाभाविक ही शक्ति है उसमें, अचिंत शक्ति जिसमें है, वो अचिंत शक्ति क्या है ना, जिसमें जीव जड़ विचार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा स्थापना कर नहीं सकते हैं, उसे कहे अचिंत कहा जाता है, अचिंत मैंने हमारे बुद्धि के द्वारा हम समझ नहीं पाएंगे, अचिंत खोलू जी भावा तांग तर्केन न जुज्वेत प्रकृति परि स अचिंत स लक्षण, अचिंत के लक्षण क्या है, अरे द सिम्टम ऑफ अचिंत इनकॉन्सिबल, अचिंत के लक्षण क्या, अचिंत के बाद जिसकी तर्क बुद्धि आदि के द्वारा स्थापना नहीं कर सकते हैं, तर्कात अप्रतिष्ठनात्, तर्क के द्वारा उसकी स्थापना करना संभव नहीं है, अचिंत खुल तंग प्रकृति पर्व, इस संसार की जो प्रकृति जड़ माया आदि के वो अतीत वस्तु है, परि वस्तु है, ये अचिंत खुल बाबा तांग तर्कन जो जो प्रकृति पर्व से अचिंत से लक्ष्य, उसके कहा जाता है अचिंत कहा जाता है, तो जिस प्रकार मणि मंत्र औषध आदि के उदाहरण दे रहे महाप्रभु है, इस जगत में भी अचिंत शक्ति हम देखते हैं, भगवान के बाद छोड़ दी,
इस जगत में भी अचिंत्य शक्ति है, बोले क्या है, मणि मंत्र औषधि। मणि माने जैसे पर्श मणि के बारे में हम सुनते हैं, है पारस पत्थर कहा जाता है, है पर्श मणि जिसको कहा जाता है, चास्कन। वो चास्कन क्या करते हैं ना, लोहे के पर्श करा करके उसके सोना बना देते हैं, किंतु स्वयं सोना नहीं बनते और दूसरे के सोना बना रहे परस्पर के, है जिसे अचिंत्य शक्ति है, है। और जो सोना बना वो सोना पत्थर, वो सोना कभी वो परस्पत्थर नहीं बन रहे। क्या बोला, वो सोना पत्थर परस्पत्थर नहीं बन रहे, और परस्पत्थर सोना नहीं बन रहे। आश्चर्य, किंतु बना रहे, समझ में आ रहा है, बोले कैसे संभव है, इसी को तो अचिंत है। इसलिए मणि, इसलिए मणि के उदाहरण थे, मंत्र आदि के द्वारा अनेक वस्तु की जो आप लोग क्रिया आदि करते हैं, मंत्र आदि जप आदि करने पर क्रिया आदि होते दिखाई पड़ते हैं, मंत्र की शक्ति है इसमें, मंत्र शक्ति है, मंत्र शक्ति के द्वारा लोग अनेक प्रकार जैसे वो करते हैं, क्या बोले है, सिद्धियां आदि प्राप्त करते हैं, कर लेते हैं, अनिमा लघिमा आदि प्राप्त कर लेते हैं, है? भक्ति वेदांत साईं महाराज एक लेख में लिख रहे, उस समय की बात है, कलकत्ता में वो जहाँ पर ये है बड़े बड़े ऑफिसर लोग रहते हैं, है? और हाईकोर्ट है, उसके पास एक संत महात्मा नंगा होकर बैठा रहता था, है? तो उसके के पुलिस उसके पकड़ करके जेल में भर दिया, और पुलिस जेल से उसके जेल से बाहर वहीं पर आते, वो यहाँ पर पहले पहुँच जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, है? समझ में आता कि न कई कई संत महात्मा ऐसे अनिमा लघिमा बृहत शरीर धारण कर सकते हैं और शुद्र शरीर धारण कर सकते हैं, है? जैसे रामायण भी वर्णन हो रहा है, हनुमान जब लंका की ओर चलने लगे, समुद्र लंघन करने लगे, है? तो उस समय बीच समुद्र में एक राक्षसी है और हनुमान को निकालने के लिए, हनुमान उसके अंदर में प्रवेश किया और प्रवेश करके सूक्ष्म में प्रवेश किया और बाहर आ गया, ये वर्णन है कि नहीं है? और उसको भी दिखा, हनुमान जी के बारे में वो भी दिखा दिया है, इतने दुर्भेद्य है, रावण की जो शंका लंकापुरी जो है उसमें सूक्ष्म रूप में वो प्रवेश किया है, मैनिफेस्टेड वेरी स्मॉल फॉल, और फिर वहां पर आकर सर्वत्र भ्रमण कर सीता देवी कहाँ है, चारी तरफ दर्शन कर, वेश भी बना लेते हैं, रामायण में तो इसमें बहुत बुरी बुरी उदाहरण है, जब राम और लक्ष्मण सीता के विरह में तड़पने लगे, आगे चलने लगे, ऋषिमुख पर्वत आ गया, वहाँ पर बहुत गंभीर जंगल भी था, और अबड़ खबड़ रास्ता, तो हनुमान द रामचंद्र जब आने लगे, राम लक्ष्मण, हनुमान वहीं पर आकर के ब्राह्मण भूत वेश धारण कर लिए, देखा ना आपने, और रामचंद्र राम और लक्ष्मण की परीक्षा करने लगे,
फिर हनुमान अपने स्वरूप को प्रकाश कर दिया। रामा ने भूरी भूरी प्रशंसा है, तो कहने की तात्पर्य इसी प्रकार मणि मंत्र औषधि, औषधि माने अनेक प्रकार पेड़ों के जो जड़, रूट्स ऑफ द ट्री, जड़ी बूटियां जो है उसके सेवन करने से, धारण करने से अनेक प्रकार जो है अनेक प्रकार के अलौकिक वस्तु दिखाई पड़ता रहता है, क्योंकि अनेक वस्तु है जिस वस्तु में गुण है जो हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं यदि जड़ वस्तु में इतना गुण है, अलौकिक वस्तु है माने अलौकता है, तो परब्रह्म भगवान में होना ये कौन सा भी बड़ी बात है, इतने की विस्मय है। मणि मंत्र औषधि में दिखाई पड़ता रहता है, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्म के बारे में जो हम कह रहे हैं, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान है, जिसके बराबर कोई नहीं है, उनके अधिक कहाँ रहेगा, अधिक अधिक उनके शक्ति भी है, अनंत शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, चित शक्ति, अनंत शक्ति है उसमें है। फिर स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति सवारो ऊपर है, फिर संविद संधिनी ह्रादिनी है, भगवान ह्रादिनी शक्ति के द्वारा स्वयं आनंद रस आस्वादन करते हैं और दूसरे के आनंद रस आस्वादन कराते हैं है। वही ह्रादिनी शक्ति के मूल अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधिका है, संबित शक्ति के मूल अधिष्ठात्री देवता कृष्ण माना जाता है, और संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु कहा जाता है, है? इसलिए संधिनी, संबित और ह्रादिनी है, ऐसा भी तत्व बताया गया। अभी जिस कथा हम बता रहे हैं ब्रह्म गौड़ीय विष्णु की, ब्रह्म की शब्द जो बताया गया वो ब्रह्म क्या है, न स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म है, क्या बोला, स्वगत स्वजातीय और विजातीय भेद रहित। स्वगत क्या है, है? न ब्रह्मचारी भगवान, भगवान के जितने अंग आदि है एक अंग किसे दूसरे अंग को कोई भेद नहीं, यही अचिंत तत्व है, किसी अंग के द्वारा भगवान कोई भी कार्य कर सकते हैं है? कान के द्वारा हम केवल सुनते हैं है? जीव एक एक अंग के द्वारा एक एक कार्य करते हैं, किंतु भगवान किसी भी अंग के द्वारा किसी भी कार्य कर सकते हैं है? आंखों के द्वारा देखते हैं और आंखों के द्वारा चल सकते हैं, आंखों के द्वारा खा सकते हैं है? अंगानी जस सकल इंद्रिय वित्ति बनती पसंती पंती कलंती जगत जगत ब्रह्म संहिता में आ रहे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजाम, कोई भी अंग की तरह भगवान किसी भी कार्य कर सकते हैं, बद्ध जीव में संभव नहीं है, हम केवल आंखों की तरह देख सकते हैं, आंखों की तरह हम भजन नहीं कर सकते, मैं आंखों की तरह हम चल नहीं सकते, किंतु भगवान किसी भी अंग के द्वारा किसी भी कार्य कर सकते हैं, क्यों, उनकी सारी जो अंग आदि जो है वो क्या है, अप्राकृत है, दिव्य अप्राकृत है, और इसलिए कहते हैं स्वगत है, माने अपने अंग से दूसरे अंग में कोई भेद नहीं है, स्वगत है, और स्वजातीय जितने भी विष्णु तत्व है सब विष्णु तत्व एक ही भगवान अनंत स्वरूप में प्रकाश किया, इसलिए राम कृष्ण नृसिंह वराह कल्कि आदि इसमें कोई भेद नहीं है,
ঈশ্বরে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ। যে রাম এক স্বয়ং ভগবান, অলগ এক ভগবান, বিষ্ণু এক অলগ ভগবান, কৃষ্ণ এক অলগ ভগবান, এসে করলে সে কে হতে অপরাধ হতে হয়। জিতনে বিষ্ণু তত্ত্ব হয় ভগবত তত্ত্ব হয় একই কাহা আজ, কিন্তু ওই উহা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ মে বিষ্ণু কে রূপ মে প্রকট হুয়ে, আর ওই কৃষ্ণ অযোধ্যা মে রাম কে রূপ মে প্রকট হুয়ে, ওই কৃষ্ণ দ্বারকাধীশ মথুরাধীশ রূপ মে প্রকট হুয়ে, দ্বারকা অথবা মথুরা মে, আর ওই কৃষ্ণ বৃন্দাবন মে দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যাম সুন্দর কে রূপ মে প্রকাশ। इसलिए कोई भेद नहीं है, एक ही भगवान। केवल रस माधुर्य आस्वादन करने के लिए, आस्वादन कराने के लिए अनेक रूप में प्रकाशित है, इसलिए कहा जाता है, है? सजातीय भेद रहित, सजातीय माने अपने जाति, माने विष्णु जाति है, इसमें कोई भेद नहीं। विष्णु तत्व एक ही विष्णु तत्व है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए है? एक ही भगवान किसी को राम रूप में दर्शन दे रहे हैं, किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और किसी को द्विभुज मुरलीधर शंकर में दर्शन दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी किसी को विष्णु रूप में दर्शन दिया, किसी की और रसराज महाभाव के रूप में दर्शन दिया, राज नदी के दर्शन, रसराज महाभाव एक सर, रसराज महाभाव के रूप में राय नदी को दर्शन दिया, किसी को राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दिया। तो इसमें भगवान की कदेश दे सर्वत सजातीय भेद रही, भेद में भेद नहीं है, एक ही एकमेव परम तत्व स्वाभाविक अचिंत सत्ता स्वरूप तद्रूप वैव जीव प्रधान रूपेण सूर्य सूर्य मंडल तद्रोश्मि रोश्मि प्रतिच्छवि रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। एक ही भगवान चार स्वरूप में प्रकाशित हो रहे, एक एक में परम, एक में परम तत्त्वम, एक ही परम तत्त्व है, एब्सोल्युटली ट्रुथ तत्त्व क्या है, एक है, एकमेव परम तत्त्वम साहबी की अचिंत सत्ता, जिन्होंने साहबी अचिंत शक्ति के द्वारा चतुर्विध रूप में प्रकाशित हो रहे, एक स्वयं रूप में ब्रजनंदन स्वयं सुंदर के रूप में गुरु वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं, वहीं पर रहते हैं, और उनकी वैभव आदि प्रकाश आदि के रूप में नारायण आदि के रूप में प्रकाशित हुए, वैकुंठ अयोध्या आदि रूप में ये सब दिखाते हैं। फिर स्वयं कृष्ण और एक स्वरूप में बलदेव रूप में प्रकाशित हुए, कृष्ण और बलदेव, बलदेव में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और बलदेव प्रभु में कोई भेद है, कृष्ण जैसे स्वयं भगवान उसी प्रकार बलदेव प्रभु भी भगवत, केवल अस्त्र भेद है और वर्ण भेद, वर्ण माने शरीर के अंग कांति भेद दिखाया गया, कृष्ण मुरली धारण करते हैं और बलदेव प्रभु हल और मुसूल धारण करते हैं, इतना ही बस। कृष्ण मोर पंखा सिर पर धारण करते हैं और बलदेव प्रभु सिर पर क्या धारण करते हैं, बलदेव को बलदेव इस समस्त दिखा रहे हैं।
और क्या बोला? इसलिए कहा जाता है विष्णु जितना तत्व है सब में अभेद कहा गया, जिसमें भेद नहीं, और विजातीय भेद रही तो जो विजातीय वस्तु जो है उसमें भेद कैसे हो जाता है? भेद भेद नहीं है। पहले हमें समझना चाहिए विजातीय किसको कहा जाते हैं, जो वस्तु दूसरे वस्तु से संपूर्ण पृथक होता है, अलग है, वो अलग होते हुए पर भी एक हो जाता है। भगवान से अलग वस्तु क्या है? माया। जैसे इस जगत के उदाहरण दे रहे हैं, जैसे प्रकाश के विपरीत वस्तु क्या है? अंधकार है कि नहीं? भगवान की तरफ हम ले जाए, परमार्थ में ले जाए, कृष्ण के किसके साथ तुलना दिया गया? सूर्य के साथ। और माया के किसके साथ तुलना दिया गया? अंधकार के साथ। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, चेतन चरित अमृत में है। कृष्ण सूर्य के भांति प्रकाशमान है और माया अंधकार। किंतु देखो ये माया कहां से आए है? माया भगवान की शक्ति कहा गया है, माया शक्ति पहली कहा ना, भगवान के तीन प्रकार की शक्ति कहा गया, एक चित्त शक्ति और एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। थोड़ा समझने के प्रयास करो तो समझ में आ जाएगा, याद करने याद कर लो तो याद आ जाएगा, याद कर लो। यदि भी थोड़ा विषय क्रिटिकल है, जटिल है, किंतु थोड़ा समझने के प्रयास करने से हो जाता है, है कि नहीं? ये शास्त्र में क्या लिखा? शक्ति शक्ति मतोर द्वयोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। कभी प्रकाश होता है, कभी प्रकाश नहीं होते हैं। मूर्त अमूर्त कहा गया, क्या बोला? मूर्त अमूर्त, मूर्त माने प्रकाश, अमूर्त माने प्रकाश नहीं है, वस्तु अंदर में तो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे आप भी उदाहरण दे जाए, आप अभी हंस रहे हैं, बहुत अंदर सात्विक भाव दिखा रहे हैं, और थोड़ा बहुत कुछ बोल दे आपको अंदर में जो वस्तु जो है क्या है, क्रोध आ जाएगा, रुद्र मूर्ति धारण कर लोगे। तो क्रोध आपके अंदर में था कि नहीं था है? आपके अंदर में क्रोध एंगर वो था कि नहीं था? वो था, किंतु वो प्रकाश नहीं था। अभी अभी आपके वो क्रोध प्रकाश नहीं है, किंतु स्थल विशेष में माया के द्वारा मतिद हो कि वो बाहर आ जाता है, किंतु यहाँ पर जीव क्रोध तो केवल भाव प्रकाश करते हैं, किंतु मूर्ति का प्रकाश नहीं कर पाते हैं। मूर्ति माने रूप का प्रकाश नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? भगवान ये विशेषता अचिंत शक्ति के द्वारा उस माया के भी मूर्ति के रूप में प्रकाश करा देता है, माया मूर्ति आ जाता है। इसलिए गीता में भगवान क्या किया, विश्वरूप अर्जुन के दर्शन कराया है, काल स्वरूप उनके अगणित है काल आदि उनसे निकाल रहा है, शिष्ट स्थिति प्रलय आदि सब करते हैं। हम क्रोधित जब हो जाता है, हम अपने केवल सेंटिमेंट्स की हम प्रकाश कर रहे हैं, मुख लाल हो गया, हाथ फप क्या बोले कंपन होने लगे है, हाथ ऐसे करके चेस्टाइजमेंट करने लगे, कहते हैं ना है, करते कि नहीं करते ऐसे है, आंखों से आंसू आ जाता है, क्या क्या करते बक 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 करता रहता है, किंतु वो मूर्ति को माने प्रकाश नहीं कर सकते आप,
है, किंतु भगवान में क्या है, उसे माया की मूर्ति प्रकाश कर दे। देखो भगवान है, और वही माया के द्वारा भगवान क्या करते हैं, जगत सृष्टि कार्य आदि करते हैं, दुर्गा आदि के रूप है, बहिरंगा शक्ति जो कहा जाता है, एक होता है अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति क्या है, माया, उसके द्वारा जगत सृष्टि कार्य आदि कराते रहते हैं भगवान, जीव को मोहित करा करके रखते हैं, उसी की कहा जाता है दुर्गा है। आज जो नवदुर्गा लोग आदि पूजा आदि करते जा रहे हैं, ये है कौन, ये वही भगवान की जो है माया की जो है मूर्ति है, जीव के मोहित करके रखते हैं। ये संसार एक कारागार है, उस कारागार की रखेड़ती जेलर है, जेलर है ना, जेल के जो कंट्रोल करता है सब कुछ, वही है माया देवी व दुर्गा देवी, उसके अनेकों नाम में कहा जाता है। अष्टभुजा धारण करके माया देवी, अष्टभुजा धारण करके जीवों की मोहित करके रख, कहीं दस भुजा माने दस हाथ, दुर्गा के दस हाथ, कहीं की अष्टभुजा है, शेर के ऊपर बैठी हुई है शेरे वाली कहते हैं ना, देखो वही माया है। फिर माया के अर्थ कहते हैं माया इति कृपा दम्भे, माया के कृपा भी स्वरूप है। और जो जीव भगवान के भजन करना चाहते हैं व चाहते हैं, और वही माया जोग माया के रूप में भगवान की तरफ ले जाते हैं। आप यदि भगवान के भजन करना चाहते हो तो आपके निकट वही माया आपके निकट क्या प्रकाशित होगी, जोग माया के रूप में ले जाते हैं, और वही माया महामाया के रूप में जी कर देते हैं। आज वसुदेव महाराज ने जोग माया के लेकर के आए आए ना, और कंस उसको मारने के लिए प्रयास किया, कंस के हाथ में जब आ गया वो महामाया के रूप में, और कंस के हाथ से जब चले गए जोग माया के रूप में आकाश में चले। देखो इसी कहते भगवान माया की एक से विशेष वैशिष्ट का है, एक के पास महामाया और दूसरे के पास जोग माया है। उस दिन कहा था ना, कंस के सिर पर ऐसे जोर से लात जमाए, पैर जमाए, कंस के विशाल शरीर ऐसे लुढ़क गए हैं। कंस महाभगवान है, क्यों ना उनकी चरण को स्पर्श किया है कि नहीं, अन्य व्यतिरिक रूप में हम तो कह रहे हैं, देखो उनके चरण स्पर्श कर स्पर्श प्राप्ति करने की साधना नहीं क्या है। तो और आकाश में आकर के कहने लगे, रे कंस मूर्ख तू मुझे क्या मारोगे है, तुझे मरने वाले विष्णु अन्यत्र जन्म ले चुके हैं। देख एक ही माया है, कैसे कैसे स्वरूप के प्रकाश आदि करते हैं, जोग माया के रूप में और एक महामाया के रूप में। कृष्ण के जितने भी कार्य साधित होता है क्या, जोग माया के द्वारा है। इसलिए भागवत में श्लोक में राष्ट्र की पहली भगवान ओपी तारात्रि सर्द उत्फुल्ल मल्लिका रंतु मनश्चक्रे जोग मायां पाश्रितम। संग भगवान जो रास में जो प्रवृत्त हो रहा है, रास करते जा रहे हैं, कैसे रास कर रहे हैं, जोग माया के द्वारा, महामाया के द्वारा नहीं,
भगवान भी गीता में कहते हैं नाहम प्रकाशो सर्वस्व योग माया समापितम। भगवान भी अपने को क्या करते हैं, छुपाते हैं, कैसे, योग माया के द्वारा। नाहम प्रकाशो सर्वस्व, मैं सबके निकट अपने स्वरूप के प्रकाश नहीं करते हैं, असुर के निकट मैं अपने स्वरूप के प्रकाश नहीं करते। असुर के निकट भगवान कैसे अपने स्वरूप के प्रकट करते, साधारण एक मनुष्य के भांति। दुर्योधन दुशासन से ये तो ग्वाल बाल है, एक साधारण एक ग्वाल बाल। और भीष्म पितामह आदि और वही कृष्ण के देखा है, विष्णु के रूप में दर्शन कर रहे हैं, देखो। अभक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप को छुपा करके रखते हैं, और भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं, है? है? असुर के निकट वो देख रहे हैं, हमारे पास जो है वो दो रूप में दिखते हैं असुर, क्या देखा, ये साधारण एक मनुष्य है, जैसे दुर्योधन कृष्ण को क्या देखा, एक साधारण एक ग्वाल बालक है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, ग्वाल बाल है। कृष्ण जब सुलहनामा करने के लिए गए हस्तिनापुर में पांडवों के पक्ष होकर के, ये युद्ध नहीं हुई, कृष्ण तो इतना ही कहा, पांडवों के पांच गांव दिए दो बस, और दुर्योधन बोले सुचाग बिना युद्ध नहीं थे, बस सुचागपुर में दिए युद्ध बिना, हम एक सुई के नोक पर जितने मिट्टी उठ सकते वो भी नहीं थे। तो भगवान ने क्या बोला, तो ऐसे उस समय दुर्योधन बोले इसको मैं बंदी बना लेता हूँ, किसको, कृष्ण को। कृष्ण बोले मुझे बंदी बना के देख लेगा है। कृष्ण इतने विशाल स्वरूप प्रकाश किया, विष्णु स्वरूप, दुर्योधन के आंख में दुर्योधन देख रहे, जति देख रहे हैं बस, वो विष्णु स्वरूप देख नहीं पाए हैं, आंख बंद कर ले, तेज स्वरूप में देख हैं। इसलिए जो अद्वैतवादी होते हैं ना, और उसी प्रकार की सब है, इसलिए भगवान के देख नहीं पाते, विष्णु स्वरूप के देख नहीं पाते, चतुर्भुज में देख नहीं पाते, वो केवल जदि के रूप में देखते हैं बस, और आंख झुलस जाते हैं उसको, महाभारत में दिखाए। और देखो भक्त जो है उसी सभा में भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह भगवान को चतुर्भुज रूप में दर्शन किया और स्तुति आदि करने लगे। तो कहने की तत्पर जो है, ये भगवान की जो शक्ति जो है, शक्ति में रहे, इसके नाहं प्रकाशो सर्वस्व योग माया समापित। भगवान जो लीला आदि करते हैं अपने योग माया के द्वारा, महामाया के द्वारा जीवों के वंचित कर देते हैं, और योग माया के द्वारा अपने तरफ लेते हैं। शेर अपने विक्रम किसके पास दिखाते हैं, विक्रम जानते हो, अपने जो प्रभाव विस्तार करते हैं किसके पास, शत्रु के पास, और अपने स्नेह ममता प्रति अपने बच्चे के पास है। देखो ये आश्चर्य है, शेर है, कोई शत्रु आ जाए है, और वो अपने विक्रम क्रोध आदि प्रकार, और अपने शेरनी अपने बच्चों को कैसे है स्तन पिलाती है, हैं, चाटती है, ये की भगवान भी उसी प्रकार के है। अभक्त के निकट महामाया के रूप में महामाया की कर देते, कार्य आदि करा देते, बुला करके रखते, और जो भगवान में शरणापन्न हो जाते हैं, भक्त जो होते हैं उनके निकट योग माया के द्वारा कार्य आदि कराते हैं।
अभक्त के निकट अभक्त के क्या मोहित करके रखते हैं, इल्यूसिनेट कर जाओ यहाँ को पड़ेगा महामाया। ये माया यदि कहा जाता है, ये जो महामाया जो कहा गया, ये भी तो भगवान की शक्ति है कि नहीं, शक्ति नहीं है, विजातीय संपूर्ण अलग वस्तु है, जैसे प्रकाश और अंधकार अलग वस्तु है, ठीक उसी प्रकार है भगवान और माया अलग वस्तु है, किंतु माया क्या भगवान की शक्ति है, तो इसमें अभेदत्व कैसे हम स्थापन करेंगे ब्रह्म में है। इसलिए शास्त्र में उदाहरण दिया, दो उदाहरण दिया गया, यथा उर्णाभ, और दूसरी उदाहरण देखिए केश, केश आदि के साथ तुलना दिया गया, केश माने बाल, ये बाल हमारे शरीर के अंग होते हुए भी अंग नहीं है, ये जो केश दाम है शरीर के, केश और नाखून है, शरीर के अंग होते हुए पर भी अंग नहीं, ये अचिंत तत्व है। देखो ये नाखून का हम यहाँ पर काटते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता है, होता है खून निकालते हैं, किंतु ये बढ़ रहे हैं आश्चर्य, शरीर के अंग होते हुए भी अंग नहीं है, ये नाखून यहाँ पर जब बढ़ जाता है तो काटो कष्ट नहीं, रक्त नहीं निकालते हैं, ये अचिंत है कि नहीं, यहाँ तक जब तक रहे यहाँ पर काटो दर्द हो, और थोड़ा यहाँ पर बाहर आ गया है जब हम काटते दर्द नहीं हो रहा है। और दूसरी उदाहरण क्या दिया है, केश है जिस बाल का हम काटते हैं कष्ट होता है, खून निकालता है कुछ नहीं, और वो बाल भी बढ़ रहे हैं, शरीर के अंग होते भी अंग भी नहीं है, और शरीर के भी देखो शोभा वर्धन आदि करते करते नहीं कहते हैं, शोभा वर्धन करते नहीं कहते, एक व्यक्ति गंजा कर दो है, आप कल्पना कर लो आप गंजे हो गए, आपको पहचान नहीं पाएंगे आपके पति देव कहाँ कौन आई है ये है, अभी आप से भर के घर में जाओ तो आपके पति देव कौन आई है पहचान पाई है, और देखने में कैसे भी लगेगा अजीब सा लगेगा, अजीब समझते हो है, स्ट्रेंज है, क्या है देखो, और वो केस को जितने भी सुंदर रूप में आप ओके सजाओगे और देखने में उतना ही सुंदर होता है, हैं? महिला में क्या है, स्त्रियों में केस के ऊपर अधिक ध्यान देते हैं, हैं? केशव कुलीन कहते केशव कुशील क्या लिखा है भूल गया है, संस्कृत श्लोक है ना, कलियुग में स्त्रियां हो पुरुष, स्त्री अथवा पुरुष अधिक रूप में केशों पर ध्यान दे, केश सजाना में सब व्यस्त रहेगा है, जितने समय खान पीन में आप नहीं देते हो उतने समय किस में देते हैं, बाल सजाने के, कहीं जा रहे ना है, देखो स्त्रियों में क्या होता है अधिक समय लेते हैं बार बार ऐसे करके इसलिए बनते हैं, इसलिए वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव क्या करते हैं बार बार की जरूरत नहीं मुंडन करो है, ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है, स्नान भी जल्दी हो जाता है, हैं? आप स्नान करते कितने समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, क्यों इतना बड़ा बाल है उसको साबुन देते हैं धोते हैं क्या लगाते हैं,
क्या क्या लगाते रहते हैं, समय ज्यादा आती कि नहीं है, फिर उसको ड्राई करते हैं है? हमें कितने समय, 2 मिनट लगते समय ऐसे पानी में स्नान करने में 2 मिनट समय लगता हूँ है, और जिसके बड़ी लंबी बाल होता है, और दूसरी जो हिपी होता है उसके तो और क्या बताए, वो तो स्नान ही नहीं करते, क्यों बाल में तो लंबी बाल है ना, जब पानी घुस जाए तो उसे सुखाना मुश्किल हो जाता है, धोते नहीं बाल, और जहाँ पर धोते नहीं तो दुर्गंध होता है। आज समझे कहें कि देश में ऐसे रूल है, उनको बांस में चढ़ने ही नहीं देते हैं, दुर्गंध है ना, वो बांस में घुस जाए बांस को बिल्कुल गंध कर देंगे और सारे लोग बाहर से बांस में उतर जाएंगे। इसलिए लोग पूछो ब्राजील में है नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं देखो विजातीय होकर के भी अवैधत्व दिखा रहे हैं। दूसरी उदाहरण क्या दे रहे, पहले उदाहरण क्या दिया, नाक नाखून, और दूसरी उदाहरण केश बाल का उदाहरण दिया, शरीर के अंग होते हुए भी अंग नहीं है। और एक उदाहरण क्या दे रहे हैं, यथा उर्णाभ, उर्णाभ माने मकड़ा है, मालूम है स्पाइडर है, स्पाइडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हो, मकड़ी, वो तो स्त्रीलिंग हो गया नहीं है, है? स्पाइडर देखो वो ये बुनता है अपने वेब से बुनता है, जाल बुनता है, वो जाल कहाँ से बुनते हैं, अपने लार के द्वारा, वो लार क्या है, अपने शरीर का तो है, अपने शरीर से है? लार से वो क्या बुन रहे हैं, जाल बुन रहे हैं, देखो कैसे सुंदर क्यों कैसे कैसे के बुन हैं, इधर से खींचते हैं इधर से खींचते हैं इधर से खींचते हैं, बस जल्दी जल्दी आप थोड़ी देखना वो कैसे बुन, 2 सेकंड में इतना बड़ा खूब कल बहुत जल्दी जल्दी हैं, ऐसे 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 करके करके फिर ऐसे 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 कर देगा जाल बुन, और फिर उसमें वो स्वयं घूमता रहता है, किंतु देखो मक्खी अथवा कीड़ा वहीं में लग जाए वहीं फंस जाता है और झट जा करके उसको खून चूस लेता है, देखा आपने, और फिर देखो वो जो जाल जो बुनते हैं ना कभी कभी जब गिर जाता है और उसी से अपना लार को जो है अंदर ले लेते हैं और लेकर खसखस करके ऊपर उड़ जाता है, आश्चर्य है, अपने लार से वो जाल बुनना शुरू कर दिया है और वहीं पर जो गिर जाता है वो लार से मतलब नीचे गिर जाता है, पर उसी लार को क्या करते हैं अपने अंदर ले लेते हैं है? अंदर लेकर के ऐसे ऐसे करके ऊपर उठ जाता है, भगवान ने कैसे विचित्र ऐसे सृष्टि कर दिया है? अच्छा ये आश्चर्य है कि नहीं, अपने लार को अंदर में लेकर के वो ऊपर उड़ जाता है, ऐसे करके अब देखा कि नहीं देखा, और लार को अंदर में रख लेते हैं है? इसी की कहा अचिंत शक्ति का है, इसलिए कहा जाता इसलिए उसी प्रकार स्वयं भगवान माया के साथ रहते हुए माया में नहीं रहते, इसलिए गीता में भगवान भी कह रहे हैं जगत हमारे अंदर में है, मैं जगत में हूं और होते हुए पर भी मैं कहीं नहीं रहता हूं, देखो क्योंकि ये अप्राकृत वस्तु के उदाहरण जो है
ये जड़ उदाहरण एक उदाहरण के द्वारा समझ नहीं पाते, समझना समझ संभव नहीं है। जैसे कमल के पत्ता है, लीफ्स ऑफ द लोटस, जल भी रहते हुए जल से स्पर्श नहीं करना है, ठीक उसी प्रकार माया भगवान के साथ रहती है, माया उनके स्पर्श नहीं करे, पर ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। और जहां पर फिर भगवान रहते हैं माया उससे बहुत दूर रहते हैं, भागवत में प्रमाण है। स्वयं व्यासदेव ने नारद जी की कृपा से क्या देखा, ये तत्व को देखा है, भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणीते अमले अपुष्यत पुरुषं पूर्णं मायांच तदुपाश्रयम्। ये भागवत की श्लोक है, आपके प्रमाण देना पड़ेगा है। वही माया वैष्णव ने क्या देखा, भक्ति योगे न मनसि, भक्ति योग के द्वारा उन्होंने क्या देखा, परम पुरुष भगवान को दर्शन किया है। भक्ति योग मनुष्य सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण, मैंने उन्हें देखा परम पुरुष भगवान को दर्शन किया। भगवान को क्या दर्शन किया, उनके परिकरों के साथ दर्शन किया, कैसे स्वयं भगवान लीला आदि कर रहे हैं गोलोक वृंदावन धाम में, कैसे मधुर लीला आदि करते जा रहे हैं, वो सारी लीला को दर्शन किया है। और दूसरी क्या देखा, माया को भी देखा, जीव के देखा, माया कहां पर है, बहुत दूर में एक माया विरज्यमान, यहां माया देवी लज्जित होकर के नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके खड़ी है, इसलिए भागवत में लिख रहे विरज्यमान विरज्यमान लज्जित होकर के है। जैसे राजा के निकट है उनकी सेवक व सेविका दूर खड़े रहते हाथ जोड़ करके है अपराध के भांति है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव ने किया कि देखा ये माया देवी कृष्ण से बहुत दूर खड़ी हुई है, कैसे खड़ी हुई है, विलज्ज माने अपने लज्जित हुए है। आप यदि कहो मायादेवी लज्जित क्यों हुई, ना मायादेवी सोच रहे भगवान के आदेश से मैं उनकी ही जन को जो मैं दंड दे रहा हूं, दंड दे रही हूं, किसको दंड दे रही है मायादेवी, जीव, जीव भगवान के अत्यंत प्रिय है, और वही भगवान के अत्यंत प्रिय जीव के मायादेवी क्या कर रही है, दंड दे, बोले क्यों, ना भगवान ने स्वयं आदेश दिया जो जीव हमारा भजन नहीं कर रहे करना नहीं चाहते उसको तुम दंडो है। जैसे उदाहरण देते हैं, आपके बच्चा पढ़ता नहीं है, आप अपने बच्चे की बहुत स्नेह करते हो नहीं करते, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर को रख दिया है, टीचर क्या करते हैं बच्चों को पीटता है, बच्चा पढ़ता नहीं है, आप नहीं मार रहे हो अपने बच्चे को, आप एक्चुअली वो इसको रख दिया शिक्षक के रखा, और शिक्षक भी ये भी बोल दिया ये मेरे बच्चे को तुम शासन करो पिटाई करो नहीं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, आप बच्चे को अधिकार दिया कि नहीं दिया, ये बच्चे का देखो शिक्षक के आप अधिकार दिया मारने का है, क्या अधिकार दिया, या हमारे बच्चा यदि ठीक नहीं पढ़े उसके कान ऐड दो चपटे घात दो पिटाई करो, टीचर को ही काम है, आप पैसा दे करके अपने बच्चा को क्या कर रहे हो पिटाई दे, देखो और वही सोच रहा है देखो
उनके स्नेह पात्र पुत्र जो है, और मैं पिटाई कर, किंतु ये पिटाई करना क्या है, उसके भाई पैसा दे करके अपने बच्चा पिटाई। ठीक उसी प्रकार भगवान माया की सृष्टि किसने किया, जीवों के शोधन करने के लिए, और कोई कारण नहीं है, फॉर द प्यूरिफिकेशन द हार्ट ऑफ कंडीशन सो। बद्ध जीव के चित्त के शोधन करने के लिए स्वयं भगवान माया के द्वारा जीवों की शासन कर, देखो और वही माया कौन है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, शक्ति है, पर हम जो शब्द कर रहे हैं शक्ति है, और शक्ति शक्ति मार में कोई भेद नहीं है, और उसके अंदर ही रहा है, माया से भगवान से कोई भेद नहीं। इसलिए विजातीय भेद रहित ब्रह्म गौड़ीय सिद्धांत में जो ब्रह्म शब्द भी कह रहे हैं, ब्रह्म शब्द दो अर्थ हो रहे हैं, क्या बताएं, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ क्या है, प्रिंसिपल मीनिंग स्वयं भगवान है, ब्रिन हति ब्रिन हयति इति ब्रह्म, जो बृहद है उसके बराबर कोई वस्तु नहीं है। अद्वैतवादी जो कहते हैं ब्रह्म है माया के द्वारा मोहित हुए, ये गलत बात है, ब्रह्म को भी माया के द्वारा मोहित नहीं होते है, इसको समझना है। भगवान जी यदि माया के द्वारा मोहित हुआ तो बड़ा कौन हो गया, माया। अद्वैतवादी में क्या होता है ना, ब्रह्म माया के द्वारा आच्छादित हो गया है, ब्रह्म कवर्ड बाय माया, ये कैसे हो सकता है, तो माया बड़ा है कि ब्रह्म बड़ा है, है? क्योंकि बृहद वस्तु क्षुद्र वस्तु के ढक सकता है, क्षुद्र वस्तु जो है समझ में आ रही, छोटा वस्तु बृहद वस्तु के वो ढक नहीं सकते। यदि माया ब्रह्म की यदि आच्छादित कर दिया तो बड़ा कौन हो गया, माया। किंतु शास्त्र में ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहन धातु, बृहत, उसके बराबर कोई नहीं है, उसे अधिक भी कोई नहीं है, है? तो माया बड़ा कैसे हुई? जो अद्वैतवादी व शंकर फिलोसफी जो कह रहे हैं, ये जब ब्रह्म माया के द्वारा आच्छादित हो जाते हैं तो आप अपने को जीव कहते हैं, जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है, ये किसके फिलोसफी है, शंकर फिलोसफी है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मिपो न परह, ये सब कल्पना वाक्य है, ऐसे नहीं कहा गया शास्त्र में, ब्रह्म सत्य है, एकांश सत्य कहा गया, वन पार्टली ट्रूथ, क्या शब्द पार्टली क्या है, ब्रह्म सत्य, सत्यं परम धीमहि, ये सत्य है जो कहा गया, ब्रह्म सत्य, समझ में आ रहा है मेरे, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मी पर ना, इस श्लोक में एकांश सत्य है, माने एकांश ये शब्द जो है ब्रह्म सत्य, ये तो सत्य ही ठीक है, जगत मिथ्या नहीं, क्यों, भगवान की सृष्टि आदि जो है वो मिथ्या नहीं हो सकता, हम ये जगत देख रहे हैं, इसलिए हमारे गौड़ीय सिद्धांत क्या बोलते हैं, तात्कालिक सत्य है, तात्कालिक उस इस समय तो हम जिस समय देख रहे हैं इस समय सत्य है, इसके तात्कालिक तात्कालिक सत्य कहा गया है, पेड़ पौधे जो कुछ देखे झूठ आएगी, ये झूठ नहीं कर सकते आप, इसे कहते हैं तात्कालिक सत्य, ये मेरा माता है पिता है भाई है बहन है पति है पत्नी है, ये झूठ कैसे कह देंगे,
किंतु ये जब इनके शरीर जब परिवर्तन हो जाता है तब वो सत्यता नहीं रहता है। मेरे माँ के शरीर को मैं देख रहा हूं, माँ की शिकार नहीं करेंगे, शिकार करें, किंतु हमारे माँ जब शरीर छोड़ देते मर जाती है, उनके शरीर को जला देते तब नहीं रहा। अथवा मैं जब शरीर छोड़ देता हूं, दूसरी माँ के कोख में जन्म लेता हूं, फिर दूसरी को मैं माँ करके पुकार, पूर्ववर्ती माँ नहीं रहा है। अरे इंग्लिश में एक शब्द व्यवहार कर देता हूं, एक्स वाइफ, एक्स वाइफ, वो अभी हमारी वाइफ नहीं है, डिवोर्स हो गया ना, मैं क्या बोलूं, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, इंग्लिश में कई सब व्यवहार होता है। अच्छा बताओ एक्स सन कहां पर होता है, क्या आप बताओ, वो मेरा पुत्र था अभी पुत्र नहीं है, ये शब्द नहीं व्यवहार होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कोई माता पिता कहे ये मेरा पुत्र था और अभी ये मेरा पुत्र नहीं है, ऐसे होता है, समझ में आ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं है? कोई माता पिता ये शब्द नहीं बाहर कर सकता है, कुछ भी बोलो है, एक्स गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक्स हस्बैंड कहते हैं, क्यों वो हमारा डिवोर्स कर दी है, विवाह विच्छेद हो गया, तो विवाह विच्छेद होने से अरे ये तुम्हारे साथ क्या संबंध है, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड कर दी, मन किसी समय वो था पति, मेरा पत्नी था पत्नी था, अभी नहीं है, विवाह विच्छेद है, फिर दोबारा शादी किया, कहते ये मेरा पति है ये मेरा पत्नी है, तो वो क्या है, वो एक समय, किंतु जब पुत्र के लिए कहा जाए कोई माता पिता कह दे ऐसे नहीं है, बेटा बेटा ही है, पुत्र पुत्र, पुत्र में ये शब्द नहीं होता, आश्चर्य बात होता है, भले किसी को क्या करते गोद लेते हैं, क्यों तथापि तो अपने पुत्र की स्नेह ममता माता को कभी दे, वो तो पुतना भूल जाते थे, कोई माता पिता चलो अपने पुत्र के जन्म दिया किसी के उसके गोद में, जैसे उदाहरण दे रहे हैं देखो दशरथ महाराज है, दशरथ महाराज के पुत्री थी, क्या नाम था, संता, किंतु उन्होंने लोमपाद के उनको गोद में दे दिया है, दशरथ महाराज के चार पुत्र और एक कन्या भी है, क्योंकि कन्या के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, क्यों शास्त्र में है, है कि नहीं है, उसके नाम क्या था, संता, और उनके साथ वो क्या बोले लोमपाद राजा के वो उन्होंने क्या दिया, गोद दिया, और लोमपाद राजा ने वही संता के साथ विवाह करा, किसके साथ, अरे वो ऋषि जो है शादी कराया, ये बहुत सुंदर कथा है रामायण में, सुनाया ना एक बार याद कर, फिर दशरथ महाराज देखो अपने दामाद के लेकर के आकर के यज्ञ कराया, बस इस समय से कथा है सर, तो वो कथा सुनाए सारी कथा को, दशरथ महाराज की मंत्री सुमंता ये सब कथा है, चलो
तो मेरा कहने की यह तात्पर्य जो है, इतने समय जो कथा सुनाया है जी, माया भगवान से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है, इसी के कहते अचिंतत्व है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद ये समस्त उदाहरण दे रहे हैं, ये ब्रह्म क्या है, स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म। दो तो हम अति सहज में समझ जाते हैं, स्वगत स्वजातीय भेद रहित समझ जाते हैं, किंतु विजातीय होकर के भेद रहित ये समझना बहुत कठिन होता है। विजातीय होकर के फिर भेद नहीं है, अभेदत्व, ये समझना थोड़ा बहुत क्रिटिकल है। हाँ स्वागत कर रहे हैं, हाँ समझ इस इसलिए अद्वैतवादी के ब्रह्म और वैष्णव गौड़ीय वैष्णव के ब्रह्म में यह वैशिष्ट दिखाया गया है। उसके ऊपर और भी ब्रह्म के बारे में हमारे तो रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में इतने सुंदर ब्रह्म के बारे में कहा है, जिसे गोपियां उद्धव के पूछा कि उद्धव तुम कहां से आए, ना कृष्ण से, बोले कृष्ण के बारे में कुछ सुनाओ, बोले कृष्ण अद्वितीय ब्रह्म, एक ब्रह्म, बोले कौन सा ब्रह्म, उद्धव के तक सिर घूमने लगे, ब्रह्म तो एक होता है, फिर ये कह रहे कौन ब्रह्म, बोले और कोई ब्रह्म है, गोपियां उत्तर देने लगी, अरे उद्धव सुनो तुम्हें शुष्क ब्रह्म से आया कि सरस ब्रह्म से आया, अरे ब्रह्मा पर शुष्क होता है सरस होता है, माने कर एक निर्विशेष ब्रह्म और एक रसिक ब्रह्म, वहीं पर शब्द लिखा गया रसिक ब्रह्म, ब्रह्मा पर रसिक कैसे होता है, उद्धव के सिर तो घूमने लगे, बोले इतने दिन तक मैंने तो सुना पढ़ा जो कुछ भी है ब्रह्म के बारे में, एक ब्रह्म होता है निर्विशेष ब्रह्म होता है, और गोपियां क्या कर रही है रसिक ब्रह्म, ब्रह्म रसिक होता है कि एक निर्विशेष ब्रह्म और एक सविशेष ब्रह्म, और गोपियां क्या कर रही है रसिक ब्रह्म है? विदग्ध माधव नाटक में ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक लिखा, पढ़ो तो आनंद आए, आनंद आए, और रसिक ब्रह्म के बारे में है। मैं जो कहते हैं कुछ कहते हैं, बोले ये शब्द कहाँ मिला, बोले देखो विदग्ध माधव नाटक पढ़ कर देखो, पढ़ते तो है किंतु ध्यान नहीं देते, किंतु उसमें लिखा है गोपियां कह रही रसिक ब्रह्म, वही रसिक ब्रह्म कृष्ण है, गोपियां ने उत्तर गोपियां ने कहा भागवत की टीका में भी है, उद्धव जब पूछे गोपियां पूछने लगे कि हम लोग के बारे में हम जो प्रश्न करें तब उत्तर दे सकते हैं यदि आप रसिक ब्रह्म के संग किया, रसिक ब्रह्म कृष्ण के साथ संग किया, और यदि निर्विशेष ब्रह्म और रसिक ब्रह्म कृष्ण के संग किया तो उत्तर दे नहीं पाओगे, उद्धव ने रसिक ब्रह्म कृष्ण के साथ संग कर नहीं पाया, इसलिए गोपियों की प्रश्न के उत्तर दे नहीं पाए, गोपियों ने जो प्रेम के बारे में जो प्रश्न किया उद्धव के लिए संभव नहीं है। एक ही भगवान किंतु अनंत स्वरूप अनंत भक्त के निकट और स्वरूप आदि प्रकाश करते हैं, एक ही व्यक्ति है, जैसे जैसे व्यक्ति होते हैं उसके निकट वो अपने भाव मुद्रा के प्रकाश करते हैं, व्यक्ति तो एक है, है? जैसे आपके बेटा है, बेटा जुबा हो गया शादी करा दी, बेटा की शादी हो गया, बेटा को शादी करा दी, देखो
वही बेटा माता पिता के साथ एक भाव प्रकाश करते हैं, है? वही बेटा आपको पत्नी के साथ अलग भाव प्रकाश करते हैं, वही आपके बेटा है अपने बेटी के साथ अपने बेटी के साथ एक भाव प्रकाश करते हैं, है? देखो कैसे बेटा तो एक है आपका, है? आपके बेटा एक है, और जैसे जैसे लोग के संबंध जिसके साथ जैसे है उस संबंध के अनुसार वो उसी प्रकार भाव प्रकाश करते हैं। भाव के तरह से लोग समझ जाते हैं, बोलना नहीं पड़ता है कि इस व्यक्ति के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। तुम्हारे बोलना चलना खेलना हंसना है देखना, इसके देखकर के सब समझ जाते हैं। लोग मूर्ख थोड़ी है, सब पंडित है। तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम्हारे आचार व्यवहार कैसे है, उस आचार व्यवहार के द्वारा सभी प्रतीत कर लेते हैं। प्रतीत समझते हो, जान जाए पता लग देते हैं, बोलना नहीं पड़ता है, है? इस व्यक्ति के साथ तुम्हारे क्या संबंध है, ये तुम्हारी पत्नी है कि नहीं, ये बोलना नहीं पड़ता है। और तुम्हारे विचार तुम्हारे क्रिया मुद्रा दिखते समझ जाते कि नहीं जाते, है? ये तुम्हारी बेटी है, है? नहीं बोलने पर भी उनकी वही क्रिया आदि देखकर लोग समझ जाते। अब बात सही है कि नहीं, है? व्यवहार आदि के द्वारा ही, मैं जोर उदाहरण दे रहा हूं, व्यवहार आदि के द्वारा ही समझ जाते, है? समझ में आ रहे? हाँ। ये जो कुर प्रमाण ली हुई, मैं तो सोचा सर जल्दी खत्म कर दूं, किंतु खत्म नहीं हो रहा है मेरा, केवल एक ही कार्य है, एक है रसिक ब्रह्म और एक है शुष्क ब्रह्म। शुष्क समझते हो, ड्राई, है? बल वृंदावन ज्ञानी लाल, है? माया और मोह में